हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पूनम चक्रवर्ती, मैं रहती हूँ पुणे में। ओके, और मैं आपको बता दूँ, आई एम ऑन मैटरनिटी लीव। तो मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सो यू नो, आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एंड आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑल। सो ये देखिए, ये मेरी है 5 महीने की बेटी इनाया इनो। देखिए, मेरी बच्ची ने फर्स्ट व्लॉग में ही स्माइल कर दी है। तो आई डोंट नो मैं कितना व्लॉगिंग करूँगी, कितना नहीं करूँगी, बट मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई कर लेते, तो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली मेरे मैटरनिटी लीव के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना करूँगी कितना नहीं करूँगी। मैं IT सेक्टर में काम करती हूँ क्या, तो लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं कर। देखिए, मैं और मेरी बच्ची अभी वॉक के लिए जा रहे हैं नीचे। ये देखिए मैडम का स्टाइल देखिए, स्ट्रोलर पे दोनों पैर डाल के बैठ जाती है इनाया। चलो मैं पास से आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। अरे, कल तो अपनी बातें आधा अधूरी रह गई, क्योंकि कल मैं शाम को, मैंने आपको बताया था मैं पार्क जा रही हूँ, तो मैं पार्क गई, पार्क से ऊपर आ गई, फिर खाना बनाया, फिर इनाया थोड़ी चिड़चिड़ कर रही थी, फिर उसको मैंने सुला दिया 10 बजे, फिर हमने भी खाना खाया और मैं तो भूल ही गई। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे व्लॉग बनाना है या कुछ। फिर हम लोग भी सो गए, फिर मैंने जब सोते वक्त मैंने फ़ोन हाथ में लिया और मैंने देखा, यूट्यूब खोला, तब मुझे याद आया, अरे मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो मैं मेरा व्लॉग आधा अधूरा ही छोड़ दिया। तो मैंने सोचा चलो सुबह उठने के बाद मैं नहा वहा के थोड़ा व्लॉगिंग कर लूँगी। तो अभी तो इनाया सो रही है, क्योंकि उसका ये थोड़ा आधा पौने घंटे का नैप रहता है, तो वो नैप ले रही है। अभी मेरे यहाँ पे मौसी आते हैं काम करने के लिए, कपड़ा और बर्तन धोने के लिए, तो वो मौसी भी आएंगे। तो आप देख सकते हो इनाया, सो रही है। सब लोग बोलते हैं सोते हुए बच्चे का फोटो नहीं खींचते, बट मैं ये सब मानती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ना, क्या होता है, बच्चा सो ही तो रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। तो आज मेरा काम तो बाकी सब हो गया है, सिर्फ किचन में भी सब क्लीनिंग वीनिंग हो गई है, सिर्फ ये बर्तन पड़े हैं जो मौसी आके धो देंगे, और बाकी सब तो सब हो चुका है, क्योंकि मैं जल्दी कर देती हूँ सब कुछ काम। क्योंकि क्या होता है ना, फिर तो बाद में इनाया का नहाना होता है, फिर वो सोती है, फिर बहुत लेट हो जाता है, 12 या 1 बज जाते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और फिर इनाया उठ जाती है। तो मतलब मेरा रूटीन ऐसे हो गया है, इनाया के हिसाब से मुझे मेरा रूटीन करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो इनाया के टॉयज देखो, मतलब इतने टॉयज है उसके पास। मतलब मैं तो बचपन में, मेरे पास एक भी टॉय नहीं था। मैं थोड़ा लाइट लगा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक भी टॉय नहीं था, मतलब एक ही मतलब डॉल थी, वो जो आँख घूमता था ना, वैसी वाली डॉल थी, बट वो भी, उसका भी बेचारी का एक आँख जो था वो टूट गया था, ऐसा मेरी मम्मी बताती। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तो इतना याद नहीं है। तो ये देखो, अब ये देख सकते हो मैंने ये नया नाइट सूट मंगाया है, और मैं बता दूँ, आप देख सकते हो, पता नहीं, देखो कितना क्यूट है और इतना कंफर्टेबल है। मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई फील सो कंफर्टेबल इन दिस। सो अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, इनाया भी उठ नहीं रही है। जब वो सोती है तब मैं उसे बहुत मिस करती हूँ कि कब उठेगी, और जब वो उठती है तब मैं सोचती हूँ कब सोएगी। ऐसे ही मेरा फ़िलहाल हो रहा है। आप जिसके भी बच्चे हो रहे होंगे उनको पता होगा। ये देखो गाइस, इनाया उठ गई है। इनाया स्माइल करो। इनाया ओ इनु ओ ओ ओ ओ मिनियन कहाँ है? देखो, mm-hmm.
इनू कहाँ है, इनू कहाँ है? आओ देखो 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 गाइस, अभी इनाया उठ गई है, तो अभी मैं इनाया के साथ थोड़ा खेल रही हूँ, फिर बाद में इनाया इनाया को मैं फीड करूँगी और फिर इनाया सो जाएगी, है ना इनू? देखो कैमरा में खुद को ही देख रही है, तो मैं वही बता रही थी कि अभी मैं थोड़ा खेलूँगी इनाया के साथ। अभी तक मौसी आए नहीं हैं, पता नहीं, अब तक तो वो आ जाते हैं, अब तक क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं है। ये देखो, ये जो है ये मेरा मंगलसूत्र है छोटा सा, और मैं इसको हमेशा पहनती हूँ, मतलब मैं कभी निकालती नहीं हूँ इसको। और ये थोड़ा सा ऑथेंटिक है, लाइक थोड़ा सा, बट सब पे जाता है, मतलब मैं सब पे पहन लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था दशहरा में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। हमने शायद कहाँ से, कल्याण ज्वेलर्स से लिया था, जो पुणे में है, हड़पसर में है, वहाँ से मैंने ख़रीदा था। और देखो इनाया कैसे देख रही है, देखो इनाया कैसे देख रही है, देखो देखो कैसे पैर मारती है मुझे। मैं बता दूँ, जब से इनाया हुई है तो मेरा लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। पहले इतना मतलब था अच्छा, पहले भी अच्छा था, बट बच्चा होने के बाद आई टेल यू बहुत अच्छा हो जाता है लाइफ। मतलब एक कोई तो ऐसा लगता है कि है कोई अपना है जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक है ना, अपने दिल के करीब जो है। अभी इनाया जो है मेरा सेकेंड लव हो चुकी है, फर्स्ट लव वॉज माई हस्बैंड और सेकेंड लव इज माई दिस क्यूटी क्यूटी डॉटर इनाया। इनाया उसको समझ में नहीं आ रहा है मम्मा ऐसे क्यों कर रही है, अकेले में बातें क्यों कर रही है, वो मुझे मेरी तरफ कंटिन्यू देखे जा रही है। देखो मैंने कुछ, मैं घर में होती हूँ तब ज़्यादातर कुछ मेकअप वेकअप कुछ करती नहीं हूँ, ऐसे ही मुझे सिंपल रहना पसंद है। पता नहीं मैं आगे जाके करूँगी या नहीं, बट अभी तक तो मैं घर में ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तब मैं मेकअप करती हूँ, बट घर में ज़्यादा नहीं करती, ठीक है। तो अभी मैं आंटी का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे उनका काम होने के बाद मैं इनाया को नहला देती हूँ, देखो है ना। तो मैं आपको आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि जब छोटा बेबी घर में होता है आपकी नींद नहीं होती है, और इनाया रात में उठती है, फिर उसको फीड करना पड़ता है, फिर वो कभी कभी सुबह 5 बजे उठ जाती है और खेलते रहती, अकेले अकेले में खेलती है, बट हाँ मैं उसके बाजू में सोई रहती हूँ तो मेरी भी नींद खुल जाती है और मैं भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर 7 बज जाते, 7:30 बज जाते, कुछ पता नहीं चलता है कि फिर उसके बाद वो सो जाती है, तब तक अपना उठने का टाइम हो जाता है। मैं नॉर्मली 7:30, 8 ऐसा उठ जाती हूँ, थोड़ा जल्दी उठना चाहिए मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं ना, मतलब यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। जब बेबी घर में होता है तो उसका पहले देखना पड़ता है, फिर अपना घर का बाकी का सब काम देखना पड़ता है। तो अभी तो मेरा पूरा ध्यान इनाया पे है, मेरा और दूसरा कुछ भी काम नहीं है, मैं सिर्फ घर के काम कर रही हूँ, इनाया को देख रही हूँ। जब तक मेरा मैटरनिटी लीव ख़त्म नहीं होता तब मैं मेरा पूरा टाइम मेरे बेटी को देना चाहती हूँ, उसके बाद में पता नहीं मुझे कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। एक मिनट, आंटी आई शायद, मैं बाद में बात करती हूँ। गैस, तो मैंने इनाया को सुला दिया है, उसको नहला दिया और फिर सुला दिया, तो वो सो रही है। फिर वो सोने के बाद मैंने मेरा थोड़ा बेडरूम जो है समेट लिया है, फिर ये किचन जो है वो किचन का थोड़ा सा क्लीनिंग किया है। अभी मैं ले रही हूँ खाना, तो ये है गोभी फ्लावर का सब्जी, ये है रोटी, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम लोग मुरम्बा बोलते हैं मराठी में, इसको मुरम्बा बोलते हैं या तो फिर चुंदा बोल सकते हैं आप। ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये मुझे मेरे मम्मी ने दिया है, अरे गिर जाओ, ये देखो। फिर मैं ये ले रही हूँ थोड़ा सा मिष्टी दोई, ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है, आप मदर डेरी का कभी ट्राई करके देखना, मिष्टी दोई बहुत अच्छा रहता है गाइस। मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ। ले लिया
मैं राइस खाती नहीं हूँ लंच में, ये है मेरा लंच। मैं अब जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हूँ और मैं मेरा खाना खाती हूँ। गाइस मैं लंच में जो है राइस नहीं खाती, मोस्टली मैं डिनर में ही राइस खाती हूँ, वो भी थोड़ा सा। मैं ज़्यादा राइस नहीं खाती, मैं ज़्यादा रोटी खाती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ, फिर इनाया कभी भी उठ सकती है, ओके। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। इनाया भी उठ गई है, ऑलमोस्ट वो उठ ही गई है, तो अभी वो थोड़ा सा खेलेगी और फिर बाद में 3-3:30 बजे वो फिर से सो जाएगी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, 5 मंथ्स की बेबी है, तो उसका थोड़ा सोना जगना, खेलना, रोना सब मिक्स है, सब दिन भर चलते रहते हैं, उसके छोटे छोटे नैप्स रहते हैं दिन में, और मैं वो मिस नहीं करती। मैं उसके स्केड्यूल के साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकती, लेकिन उसका स्केड्यूल जो है वो कंपलसरी वही होना चाहिए, मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकती। मैं खुद के स्केड्यूल में चेंज करती हूँ, बट उसके स्केड्यूल में मैं बिल्कुल चेंजेस नहीं करती, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उसका रूटीन चेंज हो गया तो। तो इसलिए मैं ट्राई करूँ कि, तो करती हूँ कि उसके स्केड्यूल में चेंजेस ना हो। तो मैं ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म करूँगी। सो आप मुझे बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक कैन आई डू मोर व्लॉगिंग, लाइक आई वुड लाइक टू डू इट, बट आई डोंट नो, मैं जॉब करती हूँ तो पता नहीं फ्यूचर में मैं व्लॉग्स करूँगी या नहीं करूँगी, बट फिलहाल तो जब तक मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ तब तक मैं व्लॉग करूँगी, देखूँगी मेरा कितना व्लॉग्स लोगों को पसंद आता है, कितना नहीं आता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कैन आई डू मोर व्लॉगिंग, एंड या प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। बाय बाय, सी यू टुमारो।